2 मिनट की, लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात। आज जब सरकार रोडवेज का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज रोडवेज का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, कल स्वास्थ्य सेवाओं का होगा, परसों शिक्षा व्यवस्था का, फिर धीरे धीरे बिजली पानी तमाम सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा। बस एक चीज है, सरकार जो सरकारी रहेगी, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, ये तमाम लोग सरकारी रहेंगे। इन लोगों को सरकारी तनख्वाह चाहिए, इन लोगों को सरकारी गाड़ी बंगले चाहिए, इन लोगों को सरकारी ठाट चाहिए। क्यों? मेरी नजर में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपकी नजर में भी होंगे, जो ये दावा करते हैं और कहते हैं कि हम इससे अच्छी और ज्यादा काम करने वाली सरकार चला सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते में। हम इससे सस्ते मुख्यमंत्री मुहैया करवा सकते हैं, मंत्री, विधायक, तमाम लोग मुहैया करवा सकते हैं। अब सवाल सरकार से ये है कि अगर तमाम चीजों का समाधान प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, तो फिर सरकार सरकारी क्यों हो? क्यों ना सरकार को ही आउटसोर्स कर दिया जाए? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस सवाल को शेयर कीजिए और सरकार से पूछिए कि सरकार जब अपनी तमाम जिम्मेदारियों को प्राइवेट कर रही है तो खुद सरकारी क्यों रहना चाहती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा।